स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। राजमहल को स्टेडियम में जैसे मैं उतरा ना, मुझे सच में कोई बंदा नहीं दिखता, कोई भी बंदा नहीं दिखता। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब बंदा नहीं दिखता ना तब बंदा मिलता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी पूरा खाली रहता सपाट बिल्कुल, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हाँ भाई आवाज़ दिया रही है तो पक्का बंदा मिलेंगे मेरे को। देखो गन्स वगैरह तो मिल चुकी थी, कुछ देर बाद मेरे को यूजी मिल जाती है और वापस से मेरे को थोड़ा थोड़ा मतलब यूजी का शौक चढ़ रहा है, क्योंकि आजकल बंदे मैं सही मार रहा हूँ यूजी से। खैर जो भी हो, ऊपर की तरफ कुछ बंदे होते हैं, फुटस्टेप देखो आप मिनी मैप में देख रहे होंगे, और अब सुन भी लो। इस बंदे को मारने के बाद मैं इसका क्रेट तो लूटूंगा, बिल्कुल लूटूंगा। क्रेट लूटने के बाद मैं थोड़ा इस तरफ आता हूँ, इस वाले मतलब क्या बोलूँ मैं इसको। अब फुटस्टेप सुनो आप लोग, और ये होता है आखिरी बंदा स्टेडियम में मेरे अलावा। मेरे ख्याल से मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि यहाँ बस अब सब कुछ होल्ड आउट हो चुका है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, मुझे एक यूएस आती दिखती है आसपास। और सच में इसकी गाड़ी को मैंने काफ़ी डैमेज दिया, धुआं फिर भी नहीं निकला, कोई बात नहीं। अब देखना मैं थोड़ा इस तरफ आता हूँ, और अब ज़रा गौर से सुनना फुटस्टेप्स की आवाज़ आप लोग। देखो आप लोगों को दबे दबे फुटस्टेप्स की आवाज़ तो ज़रूर आई होगी, बट ये कुछ जो दबे दबे फुटस्टेप्स है ना, अब देखना हल्के से उठ जाता है। चलो अब इस बंदे को तो मैंने मार दिया, मैं साइड से पकड़ता हूँ एक गाड़ी, डाशा पकड़ता हूँ मैं, और डाशा लेके मैं ऐसे निकल रहा था। आसपास कुछ गाड़ियाँ घूम रही थी और भाई बहुत ही गाड़ी थी, देखना आप लोग। वैसे देखा जाए तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी। अब ये मुझे थोड़ा ढीला लग रहा था, मैंने सोचा इसी के साथ बैठ जाते हैं, और पीछे से अब कुछ गाड़ी आती है तो मैंने सोचा इनको मारेंगे अब, कतई टीममेट वाली फील आएगी। लेकिन देखना एम नहीं हुआ यहाँ से ढंग से, स्कोपिन नहीं हुआ ढंग से मतलब, और ढंग से स्कोपिन हुआ तो ढंग से एम नहीं हुआ। खैर जो भी हो, देखो यूएस निकल जाती है वहाँ से, काफ़ी गाड़ियाँ चल रही थी, बट मैं देखता हूँ सारी गाड़ी अब निकल चुकी है, तो मैंने सोचा चलो बोट को ही मार लेते हैं, लेकिन इसने बोट को भी मार दिया। अब तुम बस समझ जाओ क्या होने वाला है। यही एक ऑप्शन बचा था यार मेरे पास, क्योंकि ना तो ये बंदा किसी और बंदे की तरफ ले रहा था, अब बिल्कुल गाड़ी रोक सी थी तो इसे मारना पड़ा। यहाँ से मुझे ओम मिल जाती है और मैं कंफ्यूज बिल्कुल कि भाई क्या करूँ। अगर मतलब एक एम की जगह ओम उठाई तो यूज़ से मुश्किल हो जाता बंदों को मारना, मतलब कभी कभी डबल असॉल्ट राइफल की डबल ऑटो गन की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन मैंने रिस्क लिया, मैंने सोचा चलो ओम ही उठा लेते, क्या दिक्कत है, सारे 7 कैमरे मैं यहाँ पे गिर देता हूँ और इनकी मुझे जरूरत पड़ने वाली बहुत ज़्यादा, देखना तुम्हें पता चलेगा। मैंने क्या बोला, मैं एक गाड़ी पकड़ी मैंने, और ये ऊपर जो पहाड़ है ना, ऊपर बंदा होता, देखो ये जो आपका MK14 की आवाज़ है ना ऊपर से सिंगल टैप बंदे ने चला, ये वही बंदा होता है जिसकी मैं बात करूँ, ऊपर जो बंदा होता है। मेरे पास यूजी थी और ओम थी, लेट्स सी मैं इससे इसको मार पाऊंगा या फिर नहीं। ये वाला शॉट लगता है कुछ कमाल, और अब मेरे को MK14 मिल जाती है, 8x भी मिल जाता भाई साहब, और अब यूजी जाए पहाड़ में। मुझे पता है यूजी पसंद है, पर भाई MK के सामने हर गन से मतलब फैक्स हो, तो कोई भी गन हो सीरियसली MK14 से सही कोई गन नहीं लगती। अब देखो मैं गाड़ी पर करता हूँ, और मुझे याद था मैंने 7 कैम उस ड्रॉप के पास गिरे थे, ड्रॉप के पास में आया, यहाँ से 7 कैम उठाए, और अब बाकी बंदों की बारी। सही पकड़ ले इस बंदे को पीछे से मैंने, वरना ये भाई सीन बना सकता था, क्योंकि इसके पास SLK थी और मेरे पास एक्सटेंडेड भी नहीं MK14 का, तो भाई बहुत रिस्की था। खैर जो भी हो, अब एक गाड़ी आती है, सुनो सुनो पता चल गया होगा आपको, एक डाचे आ चुकी है, और चलो मुझे एक्सटेंडेड मिल जाता है इस बंदे के क्रेट से। अब ये बंदा नेट टॉस करता है, देखना बाहर से, और मैं देखो अंदर ही रह जाता हूँ, मुझे पता था ऊपर ही नेट फेंकेगा, इसे पता नहीं होगा शायद से कि मैं यहाँ पे हूँ। अब देखना ये बंदा आता है घर के अंदर, और मैं इसके पीछे पीछे,